सो वायरसेस को आज हम कंटिन्यू में पढ़ेंगे. इन द लास्ट क्लास हमने वायरसेस के टाइप्स पढ़े थे, तो उसको हम आज डिटेल में देखेंगे. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बैक्टीरियोफेजेस. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वायरसेस. सो वायरसेस को आज हम कंटिन्यू में पढ़ेंगे. इन द लास्ट क्लास हमने वायरसेस के टाइप्स पढ़े थे, तो उसको हम आज डिटेल में देखेंगे. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बैक्टीरियोफेजेस. और जो ये है आपकी फर्स्ट यूनिट है पेपर वन की, दैट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी एंड द प्लांट पैथोलॉजी. सो वी ऑलरेडी नो बैक्टीरियोफेजेस आर द बैक्टीरिया ईटर वायरसेस. इन शॉर्ट में कह दूँ तो बैक्टीरिया ईटर वायरसेस होते हैं ये. और इसके बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड मॉर्फोलॉजी एज वेल एज द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी पढ़ेंगे एंड द लाइफ साइकिल, कैसे बैक्टीरियोफेजेस एक होस्ट में ग्रो करेंगे एंड क्या इनका सिग्निफिकेंस है और कौन कौन तरह से हमारे पास फेजेस जो हम लैब में यूज कर सकते हैं. सो बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं? द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया इज नोन एज द बैक्टीरियोफेजेस. वन इज द साइनोफेजेस. साइनोफेजेस आर दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली द, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गा और यू कैन से साइनो बैक्टीरिया. नाउ हु ऑब्जर्व द फर्स्ट टाइम योर बैक्टीरियोफेजेस? सो टू साइंटिस्ट, दैट इज द रेडरिक वॉट इन 1915 एज वेल एज द फेलिक्स डी हराले इन 117 फॉर द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज वायरसेस विच इन्फेक्ट्स दी बैक्टीरिया. जो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो था बैक्टीरियोफेजेस को ऑब्जर्व किया था और इन्होंने नाम दिया दैट इज दी बैक्टीरियोफेजेस ईटर्स ऑफ दी बैक्टीरिया. हमें लगता है कि जो वायरसेस होते हैं वो हमेशा ही क्या है, नुकसानदायक है, पर ऐसा नहीं होता. नाउ आफ्टर सम टाइम्स इन 1930s ससेप्टिबल डिकेड्स पायनियर वायरोलॉजिस्ट सच एस लूरिया डेलवर्क एंड मैनी अदर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, वायरसेस को एज मॉडल सिस्टम यूज किया टू इन्वेस्टिगेट कि और वायरसेस में क्या क्या प्रेजेंट है स्टडी करने के लिए. सो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, दैट इज दी योर लूरिया एंड डेलवर्क इन दी 1930. नाउ मॉर्फोलॉजी एंड दैट इज दी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. सो जो आपके बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो साइज है उनका, दैट इज अबाउट टू 10 नैनोमीटर टू एंड 100 नैनोमीटर की क्या होगी, उनकी विड्थ होगी एज वेल एज दी एंड बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर क्या होगी, उसकी लेंथ होगी. सो आप देख सकते हो कितने वो स्मॉल है. जो वायरसेस का साइज है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो कितना है, 1/100 साइज ऑफ दी बैक्टीरिया की. वायरसेस इतने स्मॉल है, बैक्टीरिया से भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है. नाउ अब जो इनका कैप्सिड है, कैप्सिड किससे बना है, इन द लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स. उनको हम क्या कहते थे, कैप्सिड. सिंगल सिंगल मोनोमर दैट इज द कैप्सोमियर और यू कैन से दैट इज द प्रोटोमियर. अब जो हमारा कैप्सिड सिमेट्री है वो कैसे हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पॉलीगोनल इलोंगेटेड भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स विद इलोंगेटेड हेड भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स विद आइसोमेट्रिक हेड भी प्रेजेंट हो सकता है. अब बात है कि ये तो इनकी सिमेट्री है, बट इनवेल्प और नॉन इनवेल्प. इनवेल्प हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनवेल्प क्या होगा, अगर उसके ऊपर लिपिड बायलेयर प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनवेल्प कहेंगे. अगर लिपिड बायलेयर इज नॉट प्रेजेंट तो दैट इज दी नेक. सो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज दी हेलिकल, इट कुड बी इनवेल्प और इट कुड बी नॉन इनवेल्प. सेकेंड हमारा पॉलीगोनल आइसोमेट्रिक है, इट कुड बी इनवेल्प एज वेल दी इट कुड बी नॉन इनवेल्प. सेम एज हमारे पॉलीगोनल में भी आएगा, कॉम्प्लेक्स में भी विद इलोंगेटेड हेड एंड कॉम्प्लेक्स विद दी आइसोमेट्रिक हेड में भी, कि जो आइसोमेट्रिक होगा और जो इलोंगेटेड हेड होगा वो हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन इनवेल्प रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे, नेक्ड रहेंगे. अब जो हमारा लार्जेस्ट बैक्टीरियोफेज है वो कौन सा है, दैट इज दी T4. सो उसका ही हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. जो बैक्टीरियोफेज T4 इज दी वन ऑफ दी लार्जेस्ट बैक्टीरियल वायरसेस एंड अबाउट 300 नैनोमीटर क्या है, ये लॉन्ग है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ आइडियल स्ट्रक्चर मॉडल टू स्टडी.
And what is present? So T4 bacteriophage contain an icosahedral, means 20 phases are there where DNA is stored. इसके अंदर क्या present होगा? Head के अंदर icosahedral head, that is the DNA stored होगा. और mostly जो हमारे bacteriophages होते हैं वो कैसे होते हैं? Double stranded होते हैं. कुछ होंगे जो single stranded RNA होंगे और single stranded DNA होंगे. और क्या प्रेजेंट होगा? बेस प्लेट. बेस प्लेट कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद दी योर होस्ट. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलर. दैट इज दी कॉलर दैट विल कनेक्ट दी हेलिकल शीथ एंड टेल स्पाइक्स, जो क्या करेंगे, एक तरह से कॉम्प्लेक्स और यू कैन से स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाएंगे ऑन दी होस्ट ड्यूरिंग दी इन्फेक्शन. And contacting tail which has an inner core surrounded by the helical sheath. So ये क्या है? ये जो tail है ये contractile है जो सिकुड़ सकती है. और क्या है हमारे पास? Base plate and six long tail spikes भी इसके साथ क्या होंगे? Present होंगे. जब भी हमारा bacteriophage क्या करेगा? Infection करेगा, तब क्या होगा? जो हमारी बेस प्लेट होगी वो एक क्या करेगी? लूज कनेक्शन बनाएगी विद दी होस्ट. और जो हमारे स्पाइक्स होंगे, जो उसके स्पाइक्स होंगे, देन दे विल मेक अ फिर्म ग्रिप विद दी होस्ट फॉर दी इन्फेक्शन. और जो भी डीएनए कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, दैट विल एंटर इन टू दी होस्ट. आप डायग्राम में देख सकते हैं, बैक्टीरियोफाज है, ये होस्ट का बैक्टीरियल सेल है, इसका ये जीनोम है. जो प्रोटीन कोट है दैट विल नॉट गो इन टू दी होस्ट. जो उसका जेनेटिक मटेरियल है दैट विल ओनली एंटर इन टू दी होस्ट. नाउ डाइवर्सिटी. सो अकॉर्डिंग टू दी 7th रिपोर्ट ऑफ दी ICTV इंटरनेशनल कमेटी फॉर दी दैट इज योर वायरसेस के लिए, इन 1990 देर आर 16 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस विच आर वेरी डाइवर्स स्ट्रक्चरली एज वेल एज योर जेनेटिकली. सो दे कुड बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दे कुड बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दे कुड बी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए. फॉर एग्जाम्पल मायोविरिडे, सिप्नोविरिडे, पोडोविरिडे, माइक्रोविरिडे, लिविविरिडे एज दी सिस्टोविरिडे, दीज आर दी ग्रुप्स ऑफ दी बैक्टीरियोफेजेस. पर मोस्टली जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अब जो लाइफ साइकिल है, जो हमारे बैक्टीरियोफेजेस हैं दे विल ग्रो विद द हेल्प ऑफ द टू साइकिल्स. वन इज द लाइटिक साइकिल एंड वन इज द लाइसोजेनिक साइकिल. अब लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं? जो हमारा लाइटिक साइकिल होगा उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेजेस दे विल इन्फेक्ट द होस्ट एंड दे विल डिस्ट्रॉय द डीएनए और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट एंड दे विल यूज द राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट एंड दे विल replicate its genome, they will transcribe and translate it into the mRNA. अब जब वो पूरा अपनी बहुत सारी प्रोजेनी बना लेगा तब उसके बाद क्या होगा, दे विल अंडरगो इन टू दी लाइसिस. सेल विल ब्रस्ट. सेल क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा. वेन वी टॉक अबाउट दी लाइसोजेनिक, सो लाइसोजेनिक में क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेजेस है वो एंटर करेगा किसमें? होस्ट सेल में एंटर करेगा एंड इट विल कंबाइन विद दी क्रोमोजोम और यू कैन से डीएनए ऑफ दी होस्ट सेल. कि जो हमारा बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा. उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफाज कहेंगे. अब प्रोफाज जो है इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू दी होस्ट सेल. जैसे जैसे होस्ट सेल क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. उसके साथ क्या होगा? वो हमारा जो बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट करेगा. वेन एवर इट सीम्स कि उसको लाइटिक साइकिल में जाना है, इट विल फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज एंड इट विल बस्ट. अब सेल कैसे डिसाइड करेगा, बैक्टीरियोफेजेस जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे लाइटिक साइकिल में रहना है या लाइसोजेनिक साइकिल में रहना है? तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना है. कभी भी हमारा जो जैसे होस्ट होता है तो कभी भी जो पैरासाइट और प्रीडेटर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा होस्ट कभी ख़त्म हो. तो हमेशा जो हमारे बैक्टीरियोफेजेस हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल को ही प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि वो कोई हार्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट करेगा वो भी रेप्लिकेट
करेंगे। अगर लाइटी साइकिल में जाएंगे तो मतलब उनका होस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दे विल रप्चर दी होस्ट सेल और जो होस्ट सेल की कमी हो जाएगी। वो लाइसोजेनिक में ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट कर रहा है तो उनका जो जीनोम भी है वो भी क्या क्या रेप्लिकेट कर रहा है। अब ये है कि विरुलेंट कौन सा है, नॉन विरुलेंट कौन सा है। जो हमारा लाइटिक साइकिल है वो क्या है, विरुलेंट है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, प्रोजेनी बनाने के बाद सेल रप्चर हो जाएगा और जो बैक्टीरियल फेजेस क्या हो जाएंगे उससे निकल जाएंगे। बट लाइसोजेनिक में इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू दी होस्ट। सो उसके से डिफरेंस देख लेंगे हम। सो डेफिनेशन तो मैंने बता दी आपको कि जो लाइटिक साइकिल है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट दी कि बहुत सारे हमारे पास प्रोजेनी निकलेंगी, दैट इज दी ऑफ बैक्टीरियो फाजेस की। लाइसोजेनिक दैट इज इंटीग्रेटेड विद दी होस्ट ऑफ दी डीएनए एंड इट विल नॉट कॉज एनी हार्म एज वेल एज दी इंटीग्रेशन ऑफ दी वायरल डीएनए। वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट इनटू दी होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन इट विल डैमेज दी होस्ट डीएनए। वेर एज दी लाइसोजेनिक में क्या होगा, जो वायरल डीएनए होगा दैट विल इंटीग्रेट विद दी योर होस्ट सेल डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है होस्ट डीएनए हाइड्रोलाइसिस। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइटिक साइकिल में क्या होगा, जो हमारा होस्ट का डीएनए होगा दैट विल हाइड्रोलाइज, दैट विल डीग्रेड, बट हियर इट विल नॉट डीग्रेड, इट विल फॉर्म द प्रोफेज। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस दैट इज प्रेजेंट इन द लाइटिक साइकिल। सो इन लाइटिक साइकिल वी हैव द फाइव फेजेस। फर्स्ट फेज दैट वी हैव द फर्स्ट क्या होगा, अटैचमेंट होगी, देन पेनिट्रेशन होगी, देन बायोसिंथेसिस होगी, देन मैच्योरेशन होगी एंड देन सेल विल बर्स्ट, दैट इज द लाइसिस। बट लाइसोजेनिक में क्या होगा, हमारे पास कितनी फेजेस है, सिक्स फेजेस है, दैट इज द वायरल अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंटीग्रेशन, क्योंकि वो क्या करेगा होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, इंटीग्रेट करेगा, एक्सीजन करेगा, इन्फेक्शन करेगा एंड रिकॉम्बिनेशन करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। नाउ वायरल डीएनए रेप्लिकेशन, जो वायरल डीएनए रेप्लिकेशन है यहाँ पे जो है वायरल, जो वायरस का डीएनए है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है बाय यूजिंग दिस सेल्स प्रोटीन्स। बट हेयर वायरल डीएनए जो है वो डिपेंडेंट है किसके, होस्ट के डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तभी हमारा जो वायरल वायरस का डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करेगा। वेयर एज विरुलेंस, सो लाइटिक साइकिल क्या है, विरुलेंट है, वेयर एज लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, नॉन विरुलेंट। अब लार्जेस्ट फेज कौन सा है और स्मॉलेस्ट फेज कौन सा है, जो हमारा लाइटिक साइकिल है वो क्या है, शॉर्टेस्ट फेज है। वेयर एज लाइसोजेनिक फेज क्या है, हमारा लिटिल बिट लार्जेस्ट है एज कम्पेयर टू दी लाइटिक। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिग्निफिकेंस क्या है बैक्टीरियोफेजेस का। सो ये बहुत फैक्ट वाली बात है कि आप, हम सब गंगा जाते हैं, गंगा में हम पानी, गंगा का पानी भी हम पीते हैं, तो वो क्यों प्योर माना गया है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट है। और जो बैक्टीरियोफेजेस को हम ऐसे अर्लियर इट वॉज यूज एज अ एंटीबायोटिक, जहाँ जब पहले एंटीबायोटिक नहीं डिवेल्प हुई थी तब बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया जाता था टू किल दी बैक्टीरिया। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन कि अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जो उसको यूज कर रही हैं, जैसा चेज इन दी यूरोप, रशिया में अभी भी यूज होता है। जब पेंसिलिन ये वगैरह डिस्कवर नहीं हुई थी तब बैक्टीरियोफेजेस को यूज एज अ एंटीबायोटिक। एज वेल एज इट बैक्टीरियोफेजेस इज ऑल्सो यूज इन टू स्टडी लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम यूज करते हैं फॉर दी क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स क्या है, दैट एक्ट एज अ व्हीकल एंड एक्सप्रेशन देखने के लिए एंड सोर्स ऑफ एंजाइम सच एज दी T4 डीएनए लाइगेज के लिए। एंड अब बैक्टीरियोफेजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, बट बैक्टीरियोफेजेस आर दी कर्स, कुड बी कर्स फॉर दी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे, जो बैक्टीरियोफेजेस है, हमारे बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन टू दी योर डेयरी इंडस्ट्री। मान लो किसी इंडस्ट्री में जैसे चीज़ बनता है, अगर उसमें स्टेराइल मीडियम क्या है, इनहिबिट हो जाए, या फिर स्टेराइल मीडियम क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो तब क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरियोफेजेस में प्रेजेंट होंगे दैट विल हॉल्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन, और वो प्रोसेस को क्या कर देंगे,
हॉल्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें जो सारा कल्चर है हम बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो दैट आर द सिग्निफिकेंस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस, ओनली वन आई फाउंड। नाउ हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस हैं दैट इज यूज इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक रिसर्च। सो फर्स्ट हमारे पास आता है डीएनए फेजेस ऑफ द टी सीरीज, दैट इज द T2 एंड द T4। सो T4 तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो हमारा T2 है, T2 जो इनिशियल डिस्कवरी हुई थी किसकी, रोल ऑफ द mRNA इन द प्रोटीन सिंथेसिस वॉज बेस्ड ऑन द इन्फेक्शन ऑन द इकोलाई, एंड किससे इन्फेक्ट किया गया था, बैक्टीरियोफेजेस T2। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ इन्फेक्शन क्या देखा गया कि जो इन्फेक्टेड सेल सिंथेसाइज कर रहे हैं T2 प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेट फेजेस, जो हमारे बैक्टीरियोफेज लैम्डा है दैट हैज मोस्ट स्टडीड जीनोम एंड इट इज़ यूज्ड इन दी एक्सटेंसली इन दी डीएनए क्लोनिंग में, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि डीएनए अपने ही तरह का क्या बना रहा है, कॉपीज बना रहा है। वेयर एज दी डीएनए क्या है हमारा, एज अ रिसर्च जेनेटिक मटेरियल है टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन के लिए। और थर्ड हमारे पास क्या है, स्मॉल डीएनए फेजेस, जो हमारे क्या है, थीटा इंटू 1/74 फाज एज वेल एज द फिलामेंटस M13 फाज। सो इन फाजेस को फर्स्ट टाइम यूज करके फर्स्ट टाइम क्या किया था, इंटायर डीएनए सीक्वेंस को क्या किया था, डिटरमाइन किया था बाय द साइंटिस्ट एंड परमिटिंग द एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वायरल लाइफ साइकिल, कि वायरसेस कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनका लाइफ साइकिल है, इनको फर्स्ट टाइम यूज किया था टू स्टडी द लाइफ साइकिल। They also have been particularly useful in identifying and analyzing the cellular protein. कि cellular protein कैसे present है in the involved in the DNA replication. जो proteins हैं वो कैसे behave कर रहे हैं cell में in the DNA replication में, उनको भी हम use करेंगे, that is the M13 and your theta into 174 phase. अब हमारे पास आता है that is the last one, RNA phases. अब क्या है, आरएनए फेजेस मींस आरएनए से हम क्या बना देख सकते हैं, जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से दैट इज द प्रोटीन। सो दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट इज द एमआरएनए, की बिकॉज दिस आरएनए जीनोम आल्सो सर्व एज द देयर एमआरएनए, दिस फेज आर रेडी सोर्स ऑफ द प्योर स्पीशीज ऑफ mRNA, and these were the earliest phases to demonstrate that cell-free protein synthesis. जो cell-free protein synthesis है वो हम किससे बना सकते हैं, that is the RNA phases, and that can be mediated by the mRNA. So that's all for the day. In the next class we will discuss about the plant viruses, कि plant viruses कौन कौन से होते हैं और कैसे वो behave करते हैं। That's all. Thank you.